हेलो हेलो आकाश आकाश, मुझे लगता है वो फिर से आ गई है। वो वही खरोचने की आवाज और उसके जिसमें से जलने की बू। आकाश मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, जल्दी से आ जाओ प्लीज। काजल, तुम्हें लगी तो नहीं ना? क्या नहीं लगी, इतनी जोर से लगी, मैं मर जाती तो। इरफान सर, ऐसे एक्शन पैक सीन्स के लिए बॉडी डबल बुलाया करिए, नहीं तो इसे बदल दीजिए। कूल यार काजल, जस्ट रिलैक्स। शॉट हो गया, मैं वैनिटी वैन में जा रही हूँ, अगले शॉट के लिए मुझे बुला लीजिएगा। नामदेव, दूसरा शॉट लगाओ। पाठक साहब, टेलीविजन इंडस्ट्री में ऑफ स्क्रीन जो ड्रामा होता है ना, वो ऑन स्क्रीन से भी ज्यादा दिलचस्प होता है। हाँ, देख रहा हूं। अब इस लड़की की तरफ देख लो काजल, इसे मैंने ब्रेक दिया है। 4 साल पहले क्या थी ये? नाना सोपारा से ट्रेन में लटक के सेट पर आती थी। सेट पर ठंडी चाय दे दो, गर्म पानी दे दो, कुछ भी खाने के लिए दे दो, हाँ चुप, उसमें नो नाटक। लेकिन अब देखो, जब तक जूस नहीं दे ना मैडम को, वैनिटी वैन से नीचे नहीं उतरती। ऐसे तो तेवर है उसके, कमाल। ये 4 साल से चल रहा है आपका सीन? माता की दया से 1122 एपिसोड, साथ में महा एपिसोड 3.3 हाईएस्ट आरपी रेटिंग। जय माता दी, 1 to 10 में मेरा एपिसोड दुल्हन बनी दायन। अरे आप स्ट्रॉबेरी लीजिए ना प्लीज, बड़ी टेस्टी खाएगी। नहीं थैंक्स, ये आप अपनी हीरोइन की वैनिटी वैन में भिजवा दीजिए। वो तो चल जाएगा, लेकिन आप एक प्लीज। नहीं नहीं, कम पड़ जाएगा उन्हें। अच्छा, आप लीजिए ना। आप नॉट अ बैड आइडिया। चरण जी, मैम मेरी स्ट्रॉबेरी जूस लेकर आ। जी अभी लेकर आता हूँ। कौन कौन है?
मजाक है ये? This is really funny. सीरियसली यार, तंग आ चुका हूं. हाँ हाँ मुझे याद है, डोंट वरी. तुमसे वादा किया है ना मैंने, कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए. हाँ हाँ ओके. धन्यवाद शूटिंग में बुलाने का. अरे सर जी धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए. सर मेरी फिल्म में एक रोल है, कॉप का, बिल्कुल आप पर फिट बैठता है. हीरो के साथ पैरेलल लीड है, प्लीज आप वो रोल कर रहे हैं प्लीज. क्यों मजाक कर रहे हैं यार, मैं वकील ही ठीक हूँ, ये अभिनय गिरी मेरा काम नहीं. चल चलता है. ओह सर, ओह आपने स्ट्रॉबेरी तो खाई नहीं, लो ना प्लीज. क्यों स्ट्रॉबेरी खिलाने के पीछे पड़े? काजल, काजल क्या हुआ? उसकी हिम्मत कैसे हुई? किसकी? वो मैं बाथरूम में हाथ धोने गई थी और उसके बाद. आकाश सिर्फ मेरा है, आकाश सिर्फ मेरा है निशा. साजन जी प्लीज उस रक्षा से कहिए कि मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है. काजल क्या हुआ? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो और क्या हुआ? मैं तो अपने मेकअप वैन में थी, मेकअप उतार रही थी. मेकअप दादा से पूछ लो. क्या तुम अपना मेकअप उतार रही थी? तो फिर वो कौन थी? अरे साजन जी ये दरवाजा. जी इस वैनिटी रूम में दो कमरे हैं और एक कॉमन दरवाजा है, ये दरवाजा है वो. आइए साजन जी. सर जी ये आकाश है, मेरा मतलब है उत्कर्ष है इसका नाम. मेरे टीवी सीरियल का लीडिंग एक्टर है, निशा का पति सीरियल में. ये वैनिटी रूम का आधा हिस्सा यही शेयर करते हैं. क्या हुआ साजन जी, कोई प्रॉब्लम? हाँ यार प्रॉब्लम है. काजल ने किसी को चुड़ैल के गेटअप में अपने वैनिटी वैन में देखा. मुझे ऐसा लगा कि नहीं वो आपके साथ तो नहीं बैठी हुई. डायन नहीं तो मैं तो यहाँ कब से सोया हुआ था. कमाल है, काजल की चीख सुनकर हम सब सेट पे से यहाँ आ गए और आप बगल में होते हुए भी सोते रहे. हाँ वो एक्चुअली मेरे सर में दर्द था तो मैंने मेडिसिन ली थी, तो मैं गहरी नींद में था. सो आई गेस. रिलैक्स काजल, देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सीरियल का असर तुम्हारे माइंड पर हो रहा है, इतना कि सीरियल की डैन तुम्हें रियल लाइफ में दिखने लगी है. टेक अ ब्रेक काजल. ये मेरा वहम नहीं है, ये जरूर किसी की शरारत है. जब भी पता चलेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं. Hey, काजल, काजल, I'm sorry. अवनी तू भी हंस रही है? अरे सीरियसली मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा. डे इन डे आउट वही सीरियल करके सबको यही लगता है कि मुझ पर उसका असर हो रहा है, लेकिन तू तो समझने की कोशिश कर. अवनी मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ. चरण क्या हुआ? पता नहीं मैडम, लगता है बैटरी केबल लूज है, अभी देखता हूँ मैडम. मैडम
मेरा अंदाजा सही था, केबल लूज है, अभी ठीक कर देता हूँ। हाँ हाँ चरण ठीक है। क्या हुआ मैडम? वो देखो, वो डायन यही तो थी, कहाँ चली गई? अभी तो यही थी मेरे सामने, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं है मैडम। चरण यहाँ से जल्दी चलो प्लीज। जी मेरा वहम है। दीदी ये क्या कर रही हो? ये नींद की गोलियां लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। एक महीना हो गया मानती, मुझे हर दूसरे दिन वो डायन दिखाई देती है, कभी वैनिटी वैन में तो कभी शॉपिंग मॉल में। मैंने पुलिस को भी कंप्लेन की लेकिन वो भी मेरा मजाक उड़ा रही। दीदी ये सब आपके दिन रात काम करने का असर है। उत्कर्ष सर है ना, वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए सीरियल से। नहीं मालती, कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं ये सीरियल छोड़ दूं। ट्रस्ट मी, ये मेरा वहम नहीं है, किसी की चाल है और जिसकी भी ये चाल है मैं उसे उसकी चाल में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी कामयाब। तबीयत तो ठीक है दीदी, क्या हुआ दीदी? खुद अपनी आंखों से देखो, वो वहां खड़ी थी। मुझे क्या हो रहा, क्यों मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा, ये मुझे क्यों हो रहा? काजल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, 4 साल से तुम एक हिट सीरियल कर रही हूँ लीड में और अब तुम उसे छोड़ना चाहती हो, वो भी मेरे सीरियल के लिए? एक्चुअली निहारिका मैम, मैं हॉरर शो करके बहुत डिप्रेस हो गई हूँ, मुझे चेंज चाहिए। तब तो यू रियली एंजॉय माय न्यू शो, फैमिली कॉमेडी है, स्लाइस ऑफ लाइफ। एक बार तुम अपना कैरेक्टर देख लो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है। माई डेट्स आर अवेलेबल, मैं शूटिंग के लिए आ जाऊँगी। गुड, फिर भी मैं तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लेकर आती हूँ, एक बार पढ़ लेना।
अंडर डाला ना तो केड़ी पाठक से बोल कर तेरा सबको अंडर करा लूंगा। केड़ी पाठक तेरी केस लेने बैठा है क्या? चल बेवड़े तेरे को दिखाता हूं अंदर क्या कर रहा है। केड़ी पाठक की वजह से लोगों के दिलों से पुलिस का डर निकलता जा रहा है। हेलो गोल चौकी पुलिस स्टेशन। पूरी टाइम वो पूरी थी, पूरी टाइम, पूरी टाइम वो पूरी थी। पूरी थी, पूरी टाइम वो पूरी थी, वो पूरी थी, पूरी टाइम। सेब खाएगा? नहीं यार, थैंक यू वेरी मच यार। 30 लाख का शादी का सेट मैंने खड़ा किया, मेरी हीरोइन जो है वो जेल में बंद है, या तो माता रानी बचा सकती है मुझे या तो तू। यार उसे तू जेल से छुड़वा दे, कम से कम मेरी शादी का सीक्वेंस तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये यार कि भले उसे बाद में तुम फांसी पर चढ़ा दो, उसे जेल में बंद करवा दो, मेरा स्केड्यूल तो कंप्लीट करवा दो यार। मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज हेल्प मी यार, प्लीज। साजन ये काजल को अंदर बाहर करने का खेल तो है नहीं। वो जो निहारिका सिंह के पास रोल करने जा रही थी, तेरा सीरियल छोड़ के तुझे बता कर गई थी? नहीं तो इसका मतलब अगर ऐसा हुआ होता तो तेरे तो 30 लाख रुपए डूब चुके थे। ओ यार पैसा वैसा क्या चीज है यार, दोषी जो है वो काजल ही है, उसके अलावा ऑफिस में कोई था ही नहीं। और उसने कहा था कि उसने वो भूरी डाइन देखी थी, निहारिका जी का भी कत्ल उसी ने किया होगा। अच्छा काजल कह रही है कि ये हत्या डाइन ने की है? हाँ। इंटरेस्टिंग। मैं जानती हूँ मिस्टर पाठक, आप औरों की तरह मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो डायन निहारिका जी के चेयर पर बैठी थी। और फिर ये मेरा बहन है, ये मेरा बहन, 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 यहाँ कोई नहीं है। खून नहीं किया। इंटरेस्टिंग, यानी कि निहारिका का खून आपने नहीं, उस डायन, यानी कि आपकी सीरियल दुल्हन बनी डायन की भूरी डायन रक्षा जी ने किया। नहीं आप चिंतित ना होइए रक्षा जी, मुझे पता है कि उस दिन आप तो लोनावला में थे। उस भेष में रक्षा थी या कोई और मैं नहीं जानती, पर मैंने उसे देखा था। वो वही थी, वही थी।
चलो मान लेते, आपकी बात मान लेते हैं कि निहारिका सिंह की ऑफिस में आपके अलावा कोई डायन के गेटअप में था। उसने आपको डराया, रॉकिंग चेयर से उठी, निहारिका सिंह को चाकू मारा और फिर खिड़की से भाग दी। अरे डायन थी, भागती क्यों, गायब भी हो सकती थी। और दूसरी बात कि उस कमरे में कोई खिड़की थी नहीं। सही कह रहा हूं ना मैं पाठक साहब? क्योंकि आपके सहायक के साथ मैं भी तो गया था निहारिका सिंह की ऑफिस में। अंदर आने और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है दवे। नो रोशनदान, नो विंडो। दवे, जिसने भी निहारिका को मारा होगा वो यहां से बाहर कैसे गया होगा? हाँ वरुण, क्यों दिख रहे हो इतने करुण? नहीं, पूछ रहा हूं, कोई है जवाब आपके पास? और डायन जो भी बना था या बनी थी, उसके लिए भागने के लिए कोई विंडो थी ही नहीं, तो आपकी ये जो थियरी है डायन वाली इज आउट ऑफ द विंडो। मिस्टर आईएम जायसवाल। यस सर। उस कमरे में और भी वस्तु थी जिसमें एक अलमारी थी। जायसवाल साहब जी, आपके सवाल का जवाब है मेरे पास। अच्छा, क्या हो सकता है? जो यहां आया था वो इस अलमारी में छिपा था। इस अलमारी में? क्या लगता है तुम्हें? मुश्किल लगता है मुझे भी। आपको किस बेसिस पे लगा कि जो भी आया होगा इस कमरे में वो इस अलमारी में छिपा होगा? इसका जवाब आपको केडी से अदालत में देंगे। क्या है यार, क्या मजाक लगा रखा है? अदालत में अलमारी? पाठक साहब वार्डरोब चेंज कर रहे हैं? नहीं, वार्डरोब नहीं चेंज कर रहा। आप अपने आप को चेंज कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। मतलब काम के बारे में जरा गंभीर हो जाएंगे तो हो सकता है एक आध केस जीत जाए। योर ऑनर, ये अलमारी उस समय घटनास्थल पर थी जिस समय निहारिका सिंह की हत्या हुई। पुलिस की आज्ञा से इस अलमारी को यहाँ अदालत में बुलवाया गया है। तब से लेकर अब तक इसे अंदर से किसी ने छुआ नहीं। तो आपका मतलब है कि अलमारी में पहले से ही कोई छुपा था चाकू लिए? जी योर ऑनर, क्योंकि इस अलमारी का पूरा सामान यहाँ ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से का शेल्फ निकाल कर जगह बनाई गई है, संभवतः किसी के छिपने के लिए। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो पाठक साहब। जरूरी तो नहीं तो फिर क्यों योर ऑनर यहां नारियल का तेल? योर ऑनर, शेल्फ के नीचे नारियल का तेल लगा है। नारियल का तेल अक्सर लोग अपने बालों में लगाते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि जो भी अंदर छिपा था उसका माथा इस शेल्फ के ऊपरी हिस्से से लगा, जिसके कारण ये तेल वहां लगा। और नीचे योर ऑनर इस अलमारी के तले पर मिट्टी पड़ी हुई जो संभवतः किसी के जूतों के साथ यहां तक आई हो। संभवतः यानी कि पॉसिबिलिटी योर ऑनर, और मैं कहता हूं कि ये इम्पॉसिबल है। कोई इंसान इतनी छोटी सी जगह में योर ऑनर छिप ही नहीं सकता। हाउ इज इट पॉसिबल? ना मैं जा सकता हूं ना आप जा सकते हैं। अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूं। हाँ, इफ यू डोंट माइंड योर ऑनर। योर ऑनर? यस योर ऑनर। आप ठीक तो है? हाँ जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आइए जी। नहीं, आपके सहारे की जरूरत नहीं है। मैं बिना सहारे के खड़ा हो सकता हूँ और बिना आपके सहारे के मैं केस भी जीत जाऊंगा। ये साबित कर दिया मैंने योर ऑनर, साबित कर दिया कि इस अलमारी के अंदर कोई नहीं रह सकता, ना इंसान ना डायन। और अगर 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 थी वो तो क्या उसने क्या किया? उसने पहले बाहर निकली, चाकू मारा और फिर से अंदर चली गई, पुलिस के आने का इंतजार किया, और जब पुलिस आई तब वो कहां गई? अचानक गायब हो गई? पता नहीं। नहीं पता तो आपके मुवक्किल से पता करता है ना। बताइए काजल जी, बताइए ये जो आपकी ये जो क्या भूरी डायन
और आपके बीच में लुक्का छुपी आजकल कुछ ज्यादा कॉमन नहीं हो गई थी? जी वो मैं उसे कई जगह देखने लगी थी। सिर्फ आप? या आपके साथ कोई और भी था जो इस बुरी डायन को देखता था? कोई और नहीं, सिर्फ मैं। ये बताइए कि आपकी जो सीरियल है दुल्हन बनी डायन, उसकी कहानी क्या है? एक आदमी एक औरत से शादी कर लेता है जो पिछले जन्म में एक डायन का प्रेमी हुआ करता था, और इस जन्म में भी वो डायन उसे पाना चाहती है। आकाश मेरा है, यही डायलॉग था ना हमेशा? ये बताइए काजल जी, इस सीरियल की शूटिंग में से लास्ट टाइम आपने ब्रेक कब लिया था? नहीं नहीं याद होगा आपको, लेकिन आपकी सीरियल के डायरेक्टर इरफान हुसैन को तो होगा। जी काजल तो नॉन स्टॉप 4 महीने से शूट कर रही है, दिन रात, कभी कभी तो डबल शिफ्ट। इनफैक्ट हम सब तो डर गए थे कि कहीं ये बीमार ना पड़ जाए। वही हुआ, दिमागी तौर पर बीमार। जय माता दी, उस दिन सेट पर सिर्फ काजल ने उस डायन को देखा था, सिर्फ काजल ने। और केडी साहब आप भी तो आए थे वहां, है ना? और फिर उस रात रोड पर पता नहीं हमारी मैडम को क्या हो गया, हमको तो पता ही नहीं चला। मैं तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त मैं मेकअप वैन में थी, और जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन मैं लोनावला में थी। और मेरे सामने दीदी ने इशारा किया कि उन्हें वो डायन दिख रही थी। लेकिन आपको नहीं दिखी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। अजय जी, अब तो आप मान ही जाएंगी कि ये जो डायन है वो दरअसल आपका भ्रम है, क्योंकि आपके अलावा तो किसी और को दिखती ही नहीं थी। जी, इसीलिए मैंने सीरियल छोड़ना चाहा और मैं निहारिका जी के पास गई थी। हाँ, निहारिका जी के पास गई, उनके ऑफिस में, वहाँ पे फिर से आपको आपकी वो भ्रम वाली डायन दिखी, और अब आप हमसे कह रही हैं कि निहारिका जी का खून आपने नहीं, उस भ्रम वाली डायन ने किया, जो कि है ही नहीं। क्या समझे हम, आर यू ओके और नॉट ओके? वो है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने निहारिका जी का खून नहीं काजल किया। काजल जी, याद दिला दूं आपको कि आपके कपड़ों पर निहारिका जी का खून पाया गया है, आपके हाथों में वो चाकू भी बरामद हुआ था, तो अब भी आप यही कहेंगी कि खून आपने नहीं किया? कम ऑन, ये कोई आपकी सीरियल नहीं है जहाँ पे जज साहब कह देंगे कट, और यस आपकी मेलोड्रामा खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हकीकत क्या है बताइए, आप ही ने खून किया है ना? ये खून क्यों किया है? काजल जी तो निहारिका के पास रोल मांगने गई थी, उनकी हत्या करके इनका क्या लाभ होता? मिलियन डॉलर क्वेश्चन। इसका जवाब मैं नहीं, कंबाला हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर गुलरमानी। क्या हुआ, डर गई आप? फिर से कहीं डायन दिखी आपको, या फिर पुरानी यादें ताजा हो? योर ऑनर, आज से 10 साल पहले मिस काजल की मदर इन्हें मेरे पास ले आई थी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए। इन्हें अपने घर में हर जगह अचानक सांप दिखने लग गए थे, क्योंकि उन दिनों जंगल के सेट पर एक सांप ने मुझे काट लिया था। करेक्ट, और उसके बाद हर जगह पे सांप ही सांप नजर आ रहे थे इनको, राइट? सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया के कारण अक्सर मरीज वायलेंट बिहेव करता है। इसी वायलेंट बिहेवियर के वजह से इन्होंने तो एक दिन अपने भाई को भी लाठी से मारा था, उन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर तक हुआ था। क्योंकि मुझे लगा था कि उसके हाथ पर सांप बैठा था जो उसे काटने वाला था। वो मेरी दवाइयों का असर था, मेरे स्ट्रगल के दिन थे, मैं काफी स्ट्रेस में थी। स्ट्रेस करेक्ट, स्ट्रेस की वजह से काफी बीमारियां होती है, और आपकी बीमारी की वजह भी स्ट्रेस ही थी। काजल जी, उन दिनों भी आप साइकियाट्रिक केस थी, और आज भी आप साइकियाट्रिक केस है जिसे डरावनी चीजें दिखती है योर ऑनर, और उसकी वजह से काजल जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है, आसपास के लोगों पर वार करती है, जानलेवा हमला। और इनका जो स्टेटमेंट था, इनके हिसाब से जो निहारिका जी के साथ हुआ था, असल में ऐसा नहीं हुआ था योर ऑनर, हकीकत में कुछ और हुआ था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट,
वो चाकू अचानक आया कहाँ से? अरे कहीं से भी आया हो, कमरे में पड़ा होगा, उठा लिया होगा। लेकिन उंगलियों के निशान तो काजल जी के ही थे ना। हाँ तो मैं कहाँ था? That simple, Your Honor. Come on, Mr. Jaiswal. इतना आसान भी है जैसे आप कह रहे हैं। I agree, पाठक साहब। मैं totally आपके against नहीं हूँ, मानता हूँ मैं, Your Honor, मैं मानता हूँ कि ये जो हत्या की गई है वो काजल जी ने, जो वो किसी हानिकारक मकसद से नहीं की है। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा Your Honor आपसे कि आप जो भी सजा सुनाना चाहे सुना दीजिए, मानसिक संतुलन तुमका खराब हो चुका है, ऑन दैट बेसिस सजा सुना दीजिए और रफा दफा कीजिए इस केस को। पर निहारिका जी को डायन ने मारा। कोई डायन नहीं है काजल जी, और अगर डायन है तो आप है, आपके अंदर वो डायन है। तो प्लीज कबूल कर लीजिए कि आपकी मेंटल कंडीशन के साथ साथ गुनाह भी आपने किया है, आप ही ने खून किया है निहारिका जी का। प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट। फिक्र मत करो डार्लिंग, मैंने उसे इतनी बुरी तरह फंसाया कि अब वो हमारे बीच कभी नहीं आ सकती। मानना पड़ेगा तुम्हारा प्लान तो कामयाब हो गया। बस अब देखती जाओ कि मैं कब और कैसे। ये आवाज वही जलने की बू कहीं। इट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। आकाश सिर्फ मेरा है। जल्दी से गाड़ी में बैठो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, माइंड ब्लोइंग सना। शूट का पहला दिन और एकदम सीजन परफॉर्मेंस। इरफान जी, एक्सलेंट चॉइस। सना यार, तुम तो एकदम नेचुरल हो। साजन सर, हमने हीरोइन रिप्लेस करके एकदम सही किया है। सना से शो की टीआरपी बहुत ऊपर जाएगी। अरे भाई, ये तो माता रानी की मेहर है, मेहर। अब वो क्या नाम है उस लड़की का, काजल, वो तो जेल से छूट के तो आने वाली है नहीं। और जो होता है वो बेहतर के लिए होता है। Everything happens for its best, है ना? अरे भाई, मैडम को जूस वूस पिलाइए, आप जाइए ना वैनिटी वैन में। कम आराम, फील एट ईज। अगले सीरियल के लिए साइन कर दूं? बिल्कुल कर लीजिए। इस एपिसोड से अरुणिमा का पात्र काजल भंडारी के बदले साना श्रॉफ करेंगी। Like they say, the show must go on. सर, मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। किसी और टीवी सीरियल या रियलिटी शो में देखा होगा शायद। पर सर, 4 सालों बाद एक झटके में हीरोइन चेंज, ऐसा तो टीवी सीरियल्स में ही होता है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यवश काजल के साथ जो उसकी टीवी सीरियल्स में होता था, अब उसके निजी जीवन में हो रहा है। सर, आपको नहीं लगता काजल की दिमागी हालत ठीक नहीं है? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इस हद तक ठीक नहीं है कि उसकी अपनी करनी उसे याद ना हो, निहारिका सिंह की हत्या कर दे और उसे ये बात स्मरण ना हो? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो निर्दोष है। शक मुझे अभी भी उसी व्यक्ति पर है जो अलमारी के अंदर छिपा था। लेकिन इतने लोगों की गवाही काजल के खिलाफ से अदालत में। उनके कथन की मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता है काजल जी की सेविका मालती की। उसका कथन इस केस में महत्वपूर्ण है, तू नजर रख उस पर। ठीक है सर। जैसे भी हो, हमें अदालत में ये साबित करना होगा
कि काजल जी को जो दिख रहा है वो वास्तव में है। मतलब असली डायन है? 2013 में तो डायन की बात कर रहे हैं, डायन तो नहीं है ना, डायन की भेष में है वरुण। पता लगा कौन है? मालती जी, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गवाही की वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई, मगर मुझे अच्छे से पता है आप किसी को नहीं मार सकती। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर निहारिका जी को मैंने नहीं मारा तो और कौन हो सकता है। अदालत में तो उन लोगों ने साबित कर दिया कि ये मेरे मन का वहम है। दीदी कोई आपके इस वहम का फायदा उठाना चाह रहा है, पर आप यकीन रखिए वो केड़ी पाठक है ना, वो उस तक पहुंच के ही रहेगा। अच्छा दीदी आप अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। आकाश सिर्फ मेरा है, आकाश सिर्फ मेरा है निशा, आकाश सिर्फ मेरा है, आकाश सिर्फ मेरा है निशा। मालती, मालती, मालती तुम हो? मालती, आकाश सिर्फ मेरा है, आकाश सिर्फ मेरा है निशा। क्या हुआ मैडम? वो डायन यहाँ भी आ गई है। डायन? ये तो मैडम है। काजल, मैं हूँ रक्षा। वो डायन यहाँ। यही गाड़ी थी उस रात फिल्म सिटी रोड पे जब तुम काजल को घर ला रहे थे शूटिंग से। जी साहब, बीच रोड पे गाड़ी रुकी, मैं उतरा और अचानक हमारी मैडम क्या क्या बोलने लगी। कह रही थी कि कोई डायन खिड़की का कांच खरोंच रही थी। कौन से कांच? पीछे के? जी। पूरी गाड़ी पर चिड़िया की बीट? वो क्या ना साहब, शूटिंग के दौरान हमेशा गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी रहती है ना, इसलिए। इस गाड़ी को पिछली बार कब साफ किया था? जी वो क्या है ना कि गाड़ी साफ करने वाला बहुत दिनों से काम पर नहीं आया, तो पता नहीं। पूरी गाड़ी पर बीट के निशान है मगर पीछे के कांच पर बीट के निशान नहीं है, कैसे? जी पता नहीं साहब, हमने तो ये कांच साफ नहीं किए। बालों पर कौन सा तेल लगाते हो? जी नारियल का। नारियल का? जी। पीछे का कांच इसलिए साफ है क्योंकि किसी ने उसे पोंछा है, जो नहीं चाहता था कि डायन के हाथों के निशान उस पर रहे। और ऊपर से सर में वही नारियल का तेल। लेकिन सर, क्या ये सब काफी होगा ये साबित करने के लिए कि कोई काजल को फंसा रहा है? शायद नहीं, लेकिन मेरे लिए ये काफी है ये जानने के लिए कि दाल में कुछ काला जरूर है। काजल का नुकसान, किसी का फायदा, लेकिन किसका? और बजट डायरेक्टर समझता क्या अपने आप को? अपने बाप की जागीर लेकर बैठा हूं मैं ये सीरियल बनाने, इसे तो शो से आउट कर देना चाहिए। तुम भी कमाल करती हो यार, यहां बिल देखकर मेरा जी घबरा रहा है और तुम मुझे डरा रही हो। आप भी हद करते हैं साजन जी, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। कभी तो मेरे बारे में सोच लीजिए, मुझसे भी एक डायन का खेल नहीं खेला जाता है। मुझे मेरा खूबसूरत चेहरे में वापस आना है, प्लीज। थोड़ा सब्र रखो डार्लिंग, मैं कुछ करता हूँ, डोंट वरी। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। पहले काजल की वजह से आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन अब काजल के जाने के बाद मुझे कुछ तो फायदा होना चाहिए ना।
तुम्हें क्या लगता है कि मेरी इस हालत के पीछे साजन जी और रक्षा का हाथ है? हाँ, लेकिन कैसे ये मुझे नहीं पता। पर हाँ, तुम्हारे जाने के बाद पूरा सीरियल बदल गया है। इरफान ने तुम्हारे बदले किसी नई लड़की को साइन किया है और रक्षा वो भी अपना कैरेक्टर बढ़ाने के चक्कर में। अब क्या कर सकते, किसने सोचा था कि एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। काजल, तुम नहीं जानती पर हाँ, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सर चलिए, बहुत टाइम हो गया। काजल, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, कोई है जो एक खिलवाड़ कर रहा है तुम्हारे साथ, रिमेंबर दैट। सिस्टर, सिस्टर आपने लाइट क्यों बंद कर दी? बत्तियां जलाइए ना प्लीज। मैम, हम बत्ती ऑन नहीं रख सकते। और आप लेट जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, बाहर सब लोग हैं ना। सिस्टर लेकिन प्लीज, आप लेट जाइए। वो सिस्टर लाइट, मुझे क्या हो गया था? दीदी, आपको फिर वही दौरा पड़ा था और आपने फिर उसी डायन को देखा। क्या हो रहा है तुम्हें काजल? डॉक्टर प्लीज काजल को ठीक कर दीजिए। और फिर जैसे ही मैं इनके पास गई, ये चिल्लाने लगी, आकाश मेरा है, आकाश मेरा है। और फिर अचानक से इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। जानलेवा हमला? हाँ, हो सकता था। उस वक्त मैं लकी थी कि मेरे साथ पुलिस थी, वरना मैं तो मर गई होती। काजल, चली जाओ, चाचा, चाचा प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगी। चली जाओ, तुम बुरी डायन हो, चली जाओ यहाँ से। दीदी पाठक को तुम्हारा काजल, मिस्टर जायसवाल आप ठीक कह रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ हो गया है, मैं पागल हो गई हूँ। काजल calm down, मुझे हर जगह वो डायन दिखाई देती है, मैंने ही नर्स को मारा है, और जो मुझे दौरे पड़ते शायद उन दौरों में मैंने निहारिका जी को भी मारा, शायद मैंने ही
निहारिका जी को। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.